हेलो फ्रेंड्स, मैं पप्पू कुमार आपका कंपटीशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज झारखंड के सेट 7 हम लोग कवर करेंगे। फ्रेंड्स, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, 7 पार्ट देख रहे हैं, उससे पहले जितना भी वीडियो मैं अपलोड किया हूं झारखंड से रिलेटेड, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, सेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड में रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाले प्रथम अस्पताल कौन सा है? राइट आंसर इज रिम पास, जो कि रांची में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आया हुआ क्वेश्चन है भी। झारखंड में हजार बागों का शहर किसे जाना जाता है? राइट आंसर इज हजारीबाग। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपसे पूछेगा झीलों का शहर किसे कहा जाता है, उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रांची। क्वेश्चन नंबर 3, आदि विद्रोही किन्हें जाना जाता है? राइट आंसर इज तिलक मांझी। फ्रेंड्स, यहां पर एक क्वेश्चन तिलक मांझी से और पूछा जाता है, तिलक मांझी की मृत्यु कब हुआ था? ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका राइट आंसर 1785 मैंने 1785 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड के किस कवि ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कविता के लिए 2011 में प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार जीता था? राइट आंसर इज अनुज लुगुन। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लांस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु कौन सा युद्ध लड़ते समय हुई थी? राइट आंसर इज भारत पाक युद्ध, जो कि 1971। फ्रेंड्स, जो अल्बर्ट एक्का हैं, उनको झारखंड की ओर से सबसे पहले परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड का वह एकमात्र आदिवासी नेता कौन है जिसका चित्र संसद के सेंट्रल हॉल में लगा हुआ है? राइट आंसर इज बिरसा मुंडा। फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा को धरती बाबा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2000 में झारखंड नया राज्य बनते समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? राइट आंसर इज राबड़ी देवी। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा कि जब झारखंड राज्य नया राज्य बन रहा था, तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, और अगर अगर प्रेसिडेंट की बात किया जाए तो के आर नारायणन थे। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड की कौन सी पर्व कृषि में जुताई की शुरुआत की जाती है जिसमें कृषि भूमि के 2.5 चक्कर मैंने 2.5 चक्कर 2.5 चक्कर हल चलाया जाता है? राइट आंसर इज हेल्पुनिया। क्वेश्चन नंबर 9, डोकरा कला के प्रयोग किसके लिए होता है? राइट आंसर इज मूर्ति बनाने में। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में बिरहोर जनजाति लोगों के निवास के रूप में क्या जाना जाता है? राइट आंसर इज टंडा। फ्रेंड्स, जो लोग जेएसएससी और जेपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद है, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 11, सीएनटी एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनता है। सीएनटी एक्ट 1908 का ब्लू प्रिंट तैयार किसने किया था? राइट आंसर इज जॉन एच होफमैन। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन थी, ये बहुत बार रिपीट हो जाता है कि सीएनटी एक्ट कब लागू हुआ है, तो राइट आंसर क्या होता है फ्रेंड 1908 हो जाएगा। अब इसका देखिए फुल फॉर्म बता देता हूँ, सीएनटी का छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसका स्थापना तो याद ही रखना पड़ेगा फ्रेंड, अब इसका कौन ब्लू प्रिंट तैयार किया ये भी याद रखिए, दो क्वेश्चन यहाँ तक श्योर शॉट है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन से पुस्तक ने रांची में अपनी पढ़ाई पूरी कर लव एडरेट फेसबुक नामक पुस्तक लिखी? राइट आंसर इज निकिता सिन्हा।
क्वेश्चन नंबर 13, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? राइट आंसर इज 1832 टू 1833, जो कि गंगा नारायण द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ था? राइट आंसर फ्रेंड्स 1987, जो कि डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पलामू का चेरो वंश की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर इज 1572, जो कि भगवत राय द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग का जुलूस किसके नेतृत्व में निकला था? राइट आंसर इज श्रीमती सरस्वती देवी। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड के ततलोई गर्म जलकुंड कहां अवस्थित है? राइट आंसर इज दुमका में। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड के किस जिले में धारागिरी जलप्रपात स्थित है? राइट आंसर इज पूर्वी सिंहभूम। फ्रेंड्स जमशेदपुर के आसपास से आपको क्या बोलते हैं कि एक जमशेदपुर को फ्रेंड्स औद्योगिक शहर के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर। अब पूर्वी सिंहभूम के माने कि पूर्वी सिंहभूम के अंदर जमशेदपुर आता है। क्वेश्चन 19, तिलैया बांध किस नदी बना हुआ फ्रेंड? राइट आंसर इज बराका नदी। क्वेश्चन नंबर 20, रामायण में किस नदी को सुमाकरी कहा गया है? फ्रेंड ये फ्रेंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम जो आने वाला है। राइट आंसर इज सकरी नदी। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। फ्रेंड अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।